Subscribe now for all the latest and trending updates. दिल्ली चुनाव प्रचार अब खत्म हो चुका है। हर बार की तरह ही इस बार भी चुनावी मैदान में वोटरों को लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियों ने सितारे उतारे। इन सितारों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए जमकर रैलियां की और तो और स्टार प्रचारकों का हाथ थामकर पार्टियों ने अपने अपने मुद्दों पर लोगों से वोट की अपील की। एक और जहां भाजपा ने केंद्र सरकार द्वारा किए गए काम पर कमल का बटन दबाने के लिए कहा, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के नाम पर वोट मांगे, जबकि आम आदमी पार्टी ने अपने 5 साल के काम पर जनता को रिझाने की कोशिश की। 8 फरवरी को दिल्ली में वोट डाले जाएंगे। उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रचार के लिए भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेता सनी देओल ने 6 फरवरी को रोड शो किया था। सनी ने रैली भाजपा के उम्मीदवार कृष्णा गहलोत के समर्थन में की। कृष्णा गहलोत का मुकाबला आपके नरेश बलियान और आरजेडी के शक्ति कुमार से है। साल 2015 में आपके नरेश इस सीट से जीते थे। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन यानी कि 6 फरवरी को भाजपा के स्टार प्रचारक रवि किशन भी मैदान में उतरे। जी हां, रवि किशन यूपी के गोरखपुर से सांसद हैं। रवि किशन ने नई दिल्ली में सीट से भाजपा उम्मीदवार सुनील यादव के लिए रोड शो किया। इसमें उनका साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी दिया। इतना ही नहीं, सुनील दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में है। रोड शो में सैकड़ों बाइक, कार, ऑटो रिक्शा और ट्रक शामिल थे। इसी लिस्ट में आगे नाम सामने आता है सपना चौधरी का। सपना चौधरी मशहूर हरियाणवी डांसर है। सपना ने मेहरौली से भाजपा प्रत्याशी कुसुम खत्री के लिए प्रचार किया था। चुनाव प्रचार के दौरान हजारों की संख्या में लोग जुटे थे। खैर, भले ही सपना चौधरी, रवि किशन और सनी देओल ने प्रचार किया हो, लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी को जीत दिला पाएगा सितारों का समर्थन। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल इन ट्रेंड न्यूज के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स।